हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम एजीमेंट आयुर्वेदा। टुडे विल डिस्कस अबाउट नेत्र रोगास अकॉर्डिंग टू अधिष्ठान। अधिष्ठान के अनुसार नेत्र रोगों की जो संख्या क्या है और कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो पहले की जो वीडियोस थी उनमें हमने शस्त्र कर्म के अनुसार, शस्त्र साध्य के अनुसार नेत्र रोगों को बताया था और दोषों के अनुसार बताया था। जो दोषों के अनुसार हमने बताया था वो एक बार हम फिर आपको डिस्कस करेंगे। जो दोषों के अनुसार बताया था उसमें हमने बताया था आपको कि जो बातज है वो दस दस है, कफज जो है वो बातज जो है 10 है, पित्तज जो है 10 है, और कफज जो है 13 है, और 16 जो है रक्तस है, और 25 जो है सर्वज है, और 2 बाह्य है। ये मैंने 200 का आंसर आपको बताया था। और बात करेंगे शस्त्र साध्य के अनुसार तो मैंने बताया था छेदन साध्य जो है वो 11 है, भेदन साध्य जो 5 है, भेदन साध्य जो था वो 15 है, 15 है, और लेखन साध्य जो था वो 9 है, और अशस्त्र 12 है। अब बात करेंगे जो अधिष्ठान के अनुसार जो क्षेत्र नेत्र रोग हैं उनका कैसे कैसे है डिवीज़न, एक बार हम देख लेते हैं। तो एक बार देखने के लिए हम आपको बताएंगे कि जो संधिगत है वो अधिष्ठान मतलब जो गत है वो बाघवट ने बताया है 94, सुश्रुत ने बताया है 76, और उसका जो वर्णन इस तरह से किया गया है जो दोनों का है वो संधिगत जो है 9-9 बताया है दोनों ने, 9-9 भागवत संधिगत संधिगत में। वर्तमगत जो है वो 21 बताया है सुश्रुत ने, और शुक्रगत 11 बताया है सुश्रुत ने, और कृष्णगत 4 बताया है सुश्रुत ने, और सर्वगत 17 बताया है, और दृष्टिगत 12 बताया है, बाह्य 2। तो जो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि संधिगत दोनों का 9 बराबर है, और वर्तमगत ने बात करें तो 3 ऐड किया है तो 24 किया है, शुक्रगत की बात करें तो इसमें 2 ऐड किया है, 3 दो दो इसमें ऐड किया है तो इसमें 13 हुआ। कृष्णगत में अगर देखें तो 1 ऐड किया है तो टोटल 5 हुआ, और सर्वगत सर्वगत में देखते हैं तो 1 कम किया है तो 16 हुआ, और दृष्टिगत में देखते हैं तो इन्होंने 15 को ऐड किया तो 27 हुआ, भाई इन्होंने बताया नहीं है। अब याद कैसे रखना है, देखिए ना, सर्वगत मतलब सत्रह, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार एक ही माइनस हुआ है, वो सर्वगत में हुआ है 16। बात करेंगे वर्तमगत जो 21 है, इसमें जो वर्तमगत शुक्लगत कृष्णगत 3-2-1 याद रखेंगे, 3-2-1 ऐसे क्रमशः जोड़ा है और इस तरह से इनको बता दिया है बाहर जो है। तो टोटल इस तरह से जो है ये एक क्लासिफिकेशन आपका हो गया। तो ये प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे का जो इनका जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 दूंगा अधिष्ठान के अनुसार। प्रणाम अर्घा नमः अर्घा।